वो देखो भैया हमारे रूम में ताला क्यों लगा रहे हैं। भैया आप मेरे रूम में ताला क्यों लगा रहे हैं? 4 महीने हो गए हैं, आप दोनों ने इस रूम का रेंट नहीं भरा है। मालिक ने कहा है या तो रेंट लेके आना या तो रूम में ताला मार के आना, इसलिए मैं ये ताला मार के जा रहा हूँ। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं, हम इस तरह की ठंड में कहाँ जाएंगे, और मेरी बहन का एग्जाम भी है कल, इसे मैं कहाँ लेके जाऊंगी। प्लीज भैया मुझे रूम की चाबी दे दीजिए। दीदी मुझे कुछ नहीं पता, मालिक ने बोला है रूम में ताला मार के आओ, मैं मार के जा रहा हूँ। भैया एक एक्सीडेंट में ना मेरे माता पिता गुजर गए, अब तो घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल है, मैं आपका रेंट कैसे दे पाऊंगी। भैया जैसे ही मेरा पैर ठीक हो जाएगा ना मैं कोई काम ढूंढ लूंगी और धीरे धीरे करके ना आपका पूरा कर्जा चुका दूंगी, पर प्लीज जब तक मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा है तब तक के लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। नहीं बहन जी, मालिक ने मुझे चाबी लाने के लिए बोला है, अगर मैंने आपको चाबी दे दी तो मालिक बहुत गुस्सा होंगे मुझ पे। भैया जब तक मैं आपके रूम का भाड़ा नहीं दे पा रही हूँ ना तब तक आप मेरी ये एप्पल की वॉच रख लीजिए, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे पिताजी ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। पर बहन तू अपनी घड़ी दे देगी तो सुबह उठेगी कैसे, तू इसी में तो अलार्म लगा के सुबह उठ के अपनी पढ़ाई करती है। कोई बात नहीं दीदी ये रख लीजिए और आप मुझे चाबी दे दीजिए। ये लो चाबी। रोशनी प्रीति आप ही हैं? हाँ भैया। मैं बैंक से आया हूँ, आपके पिताजी मेरे बैंक में पैसे जमा किया करते थे, अब उनकी डेथ हो गई है इसलिए वो पैसा आपको दिया जा रहा है, पूरे 2 लाख रुपए हैं इसमें, ये लीजिए। पर प्रीति पिताजी ने तो कभी नहीं बताया कि हम पैसे जमा करते हैं, हमारे घर के तो हालात ऐसे कभी थे ही नहीं कि हमारी सेविंग हो पाए, पर कोई बात नहीं अगर पिताजी ने पैसे बचाए तो आज हमारे काम आ गए हैं, अब ना हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये देखो तुम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकती हो और हम अपने इस रूम का रेंट भी दे सकते हैं। हाँ दीदी तुम सही बोल रही हो। थैंक यू सो मच भैया। वेलकम मैम। भाई तूने लड़कियों को पैसे दे दिए? हाँ पैसे तो मैंने दे दिए, पर भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तूने अपने 2 लाख रुपए उन लड़कियों को क्यों दिए? भाई इतने पैसों में ना मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इन पैसों से ना उन लड़कियों की जिंदगी जरूर बदल जाएगी। पर भाई ये पैसे उन लड़कियों को तुम खुद भी तो दे सकते थे। भाई मैं उन लड़कियों पे ना कोई एहसान नहीं जताना चाहता था और ना उनके ऊपर ये पैसों का बोझ डाल सकता था, बस इसीलिए मैंने दे दिए। हाँ भाई अब मुझको समझ में आया तुमने उन लड़कियों की मदद क्यों की। कभी कभी बिना जताए भी लोगों की मदद कर देनी चाहिए। भाई तूने बहुत अच्छा काम किया। चल भाई चले।